ਸੈਂਦਾ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਸੈਂਦਾ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਦਫਾ ਹੈ Baby, I've been falling for you. Ye jo teri yaad hai, marhaba hai, yaadi sab tera hai. 'Cause baby, I've been falling for you. Hi, army, sara hai. Army, I know ki aap kehte ho mujhse baar baar ki main bahut late video upload karti hu. Because mujhe thoda sa main thoda zyada busy rehti hu isliye main video late karti hu. Aisa nahi hai ki main khud janbujhkar late karti hu. जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ और जैसे कि आज मैं अपलोड करूँगी आज मुझे टाइम है मैं चाहती तो लेट भी कर सकती थी बट मैं खुद से नहीं करती हूँ हो जाता है मैं बिजी रहती हूँ इसलिए क्योंकि सब काम देखने पड़ते हैं वरना मम्मी की डांट कौन सुनेगा ओके सिस्टर स्टार्ट करते हैं दिस बास्टर्ड मेरा एंजॉयमेंट और मेरी नींद हराम करके अब खुद सोने चला गया आई रियली हेट हिम उसके बाद ये भी अपने रूम में जाकर सो जाती है मैं बहुत थक गई लास्ट नाइट सही से सो भी नहीं पाई थी अब भी थकी हुई है और नींद भी आ रही है तो जैसे तैसे फ्रेश होकर बाहर जाती है उठ गई तुम कब उठे थे 3 घंटे पहले मॉन्स्टर मुझे सुनाई दे रहा है कुछ खा लो तुमने बनाया नहीं मैंने बस हमारे लिए खाना ऑर्डर किया है ओके इसी तरह से 2 हफ्ते बीत जाते हैं ते जंकुक की हेल्प करती है और उसे मारने की भी कोशिश करती है ते ने जंकुक को 2 हफ्ते में 10 बार मारने की कोशिश की लेकिन जंकुक को नहीं मार सकी क्योंकि उसकी हर कोशिश बेकार होती जब भी वो जंकुक को मारने की कोशिश करती उसके दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगती है इस बार मैं उसे जरूर मार दूंगी हर बार मैं उसे मारने में फेल हो जाती हूँ लेकिन आज नहीं देखिए हाथ में चाकू होता है वो ते को मारने की कोशिश करती है बट सडनली जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है मैंने तुम्हें इन 2 हफ्तों में मुझे मारने के बहुत चांस दे दिए लेकिन तुम नहीं मार पाई लेकिन अब से तुम्हें मैं अब और कोई चांस नहीं दूंगा कैसे कैसे तुम जानते हो मैं शुरू से सब जानता हूँ जंकुक ते को बेड पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और ते के हाथों को टाइटली होल्ड कर लेता है जिससे ते मूव नहीं हो पाती छोड़ो मुझे यू बास्टर्ड बास्टर्ड तुम जानना चाहती हो ये बास्टर्ड क्या कर सकता है बोला था ना तो तुम रियल बास्टर्ड को देखना नहीं चाहती यू छोड़ो मुझे भागने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते जंकुक मैंने कहा छोड़ो मुझे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी तो फिर मार दो जंकुक देखो छोड़ देता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ अगर तुम मुझे नहीं हरा पाई तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी ओके लेट्स ट्राई मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी मुझे हराने के बाद बोलना तुमको ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जंकुक नहीं बिल्कुल भी नहीं बात खत्म करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं ओके ते जंकुक को हिट करना स्टार्ट करती है लेकिन जंकुक जो है वो ते के सारे मूव्स इजीली ब्लॉक कर देता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी हाँ यू टेको की फाइट जो है 30 मिनट चलती रहती है टेक की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझे हरा नहीं सकती टेक का ब्लड निकल रहा होता है तो जंकुक उसे देख लेता है
और फाइट को रोक देता है। स्टॉप द फाइट एंड कीप योर वाउंस। नहीं, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। आई सेड गो। फिर अंदर जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और अपनी चोट को साफ करती है। आउच आउच आउच, मम्मी लग रही है। दिस बास्टर्ड जंगकुक, अगर तुमने मुझे एक बार और बास्टर्ड कहा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल बास्टर्ड क्या कर सकता है। ये कब आ गया? जंगकुक के पास बैठ जाता है। कॉटन दो मुझे। नहीं, ये क्या हुआ है, क्या खबर है, पता है ज्यादा हुआ। जंगकुक को कॉटन दे देती है। जंगकुक पे की चोट से ब्लड को साफ करना स्टार्ट करता है। आओ जाओ जाओ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जंगकुक जब एंटीसेप्टिक यूज करता है, गॉड ये बहुत हर्ट करेगा, लाइक हेल। टाइटली आंखें बंद कर लेती है दर्द की वजह से। जंगकुक स्लोली टे की चोट पे ब्लो करता है। सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? रुको, क्या ये वही क्रूअल प्रिंस है जिसे मैं जानती हूँ? मेरी हार्ट बीट्स इतनी फास्ट क्यों हो रही है? जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। जंगकुक केयरफुली टे की चोट को साफ करता है। टे जंगकुक को देखती रहती है। फिर जंगकुक टे की ड्रेसिंग कर देता है। टे तब भी जंगकुक को लगातार देखती रहती है। हो गई। हेलो टे। हाँ, हो गई ड्रेसिंग। थैंक यू, जाओ जाकर आराम करो। हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कोई और बात करनी है तो करो या मैं फोन रख दूँ। तुम हमेशा हमारे साथ रोडली बात क्यों करती हो? तुम बदल गई हो। हाँ मैं बदल गई हूँ। तो क्या, ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना, गुड बाय। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई जिमिन? मैं तुम्हारी बहन हूँ लेकिन तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? जिन बहुत रोती है, लाइक हेल। फिर एक बार में जाती है। बारटेंडर, यस मैम। गाइस, मुझे बार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जो मुझे समझ आया मैंने उसी ड्रिंक का नाम यूज कर लेती हूँ। वन विस्की प्लीज। ओके मैम। ड्रिंक जिन जो है वो ड्रिंक करना स्टार्ट करती है, लगातार ड्रिंक करती रहती है। मैम बहुत लेट हो गया, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, या आप वीआईपी रूम भी ले सकती हैं, वहाँ रुक सकती हैं। ओके, मुझे वीआईपी रूम चाहिए। ये रहा मेरा कार्ड, मेरे लिए रूम बुक कर दो। ओके मैम, थोड़ा वेट कीजिए। मैम ये रहा आपके रूम का कार्ड एंड रूम नंबर 320। ओके, पता है ज्यादा हुआ कहाँ है मेरा रूम? मेरा रूम नंबर 302। हाँ ये है। जिन जो है 302 रूम में चली जाती है और फुली ड्रंक होती है, वो रूम जो है वो नामजुन का होता है। नामजुन उसी रूम में होता है। आह, मेरा सिर क्यों घूम रहा है जिमिन? गाइस, मैंने स्टोरी के स्टार्ट में ही बता दिया था कि जिमिन जो है जिनकी ट्विन सिस्टर है। ओके, सो जिन नामजुन को देखती है। जिमिन, हाँ, उसकी बात मत करो, मैं जिन हूँ। तो तुम जिमिन की ट्विन सिस्टर हो? हाँ, तो क्या? जिन सडनली रोने लगती है। तुम उसका नाम जानते हो? वो तुम्हारी फ्रेंड है? तुम रो क्यों रही हो? हाँ मैं उसका फ्रेंड हूँ। उसने कहा वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। सारी लड़कियाँ परेशान करने को होती हैं। ओके गर्ल, रो मत, वो तुमसे बात कर लेगी। तुम्हें पता है हमने उसके लिए हमारे स्टडी को सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो बहुत हार्टलेस है। हम कौन? मैं और ते। वो अपनी मॉडलिंग के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, तो हमने नॉर्मल कॉलेज को सिलेक्ट किया। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो अजनबी हो ना। लगता है इसे चढ़ गई है। लेकिन किसी को तो मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो फिर मुझे बताओ अपनी स्टोरी। हम अनाथ थे। मुझे और जिमिन को टे के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया।
उनकी डेथ के बाद तेरे हमारे लिए बहुत मेहनत की। उसने कई रात बिना सोए गुजारी थी। उस सिचुएशन में भी वो सिर्फ हमारे बारे में सोचती थी, लेकिन जिमिन वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। उसने हमें अपने जाने का रीजन भी नहीं बताया। तो ये सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसलिए ते उस दिन इतनी इमोशनल थी। सैड फील मत करो, तुम मुझे बुली कर रहे हो। हाँ क्या, मैंने कब किया? ये क्या रिएक्शन है? हाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो मत, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। हाँ किया है, तुमने मुझे बुली किया है। गॉड, मुझे नहीं पता कि लड़कियों को कैसे चुप कराते हैं। मैं अपने दर्द को भूलना चाहती हूँ, तो उसके बारे में सोचो मत। मुझे हॉट फील हो रहा है। देन उसके बाद जिन जो है नाम जिनको किस करती है। तुम बहुत हैंडसम हो। आई लाइक योर वाइट स्किन। ए गर्ल, ये लाइन तो मुझे बोलना चाहिए था ना, तो फिर बोलो ना। तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो। और रियली जिन नामजुन का कोट उतारना स्टार्ट करती है। ए क्या कर रही हो तुम? आई फील सो हॉट। जिन नामजुन को हग करती है। तुम आग के साथ खेल रही हो जिन। हेल्प मी, शी सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। तो फिर बाद में पछताना मत। नहीं पछताऊंगी। नामजिन जिन को उठाकर बैग पे रख देता है। आई फील सो हॉट। तुमने कौन सी ड्रिंक ली थी? विस्की। क्या, उसमें तो हाई लेवल अल्कोहल होती है, जानती हूँ मैं। मेरी बाद में पछताना मत। हाँ हाँ, नहीं पछताऊंगी। उसके बाद नामजुन जिन के सारे कपड़े उतार देता है, उसकी बॉडी पे किस करता है। इट्स फील सो गुड। आई विल मेक यू फील मोर गुड बेबी। मेरा सर दर्द कर रहा है। जिन उठने की कोशिश करती है, बट बैग से गिर जाती है। आउ, मेरी कमर। जिन देखती है नामजुन उसके पास सो रहा है। गॉड, मैं इसके साथ कैसे सो सकती हूँ? जिन चेंज करके और एक नोट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एक घंटे बाद नामजुन भी जाग जाता है और लेटर को देखता है। हाय, लास्ट नाइट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे भी हम अडल्ट हैं, तो लास्ट नाइट को भूल जाना। मेरी चोट अभी भी दुख रही है। दैट साइको। हे लेजी टाइगर, जल्दी उठो, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं थक गई हूँ, तुम जाओ। ते पिलो को हग करके और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। ओके, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर कर देता हूँ। खाली पेट मत सोना। तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? ओके, मैं खा लूंगी, अब जाओ। तुम सिटी के प्रिंस के साथ बहुत रूड हो। कुछ दिन और इंतजार करो, जब मैं फुली रिकवर हो जाऊंगा तुम्हें तब डिसिप्लिन सिखाऊंगा। मुझे और सोना है, उस मॉन्स्टर ने मेरी नींद खराब कर दी। ती थकी होती है तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए सो जाती है। जंगो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। पूरे अपार्टमेंट में अंधेरा होता है। एक भी लाइट ऑन नहीं थी। जंगो लाइट ऑन करता है। जो खाना जंगो ने ते के लिए ऑर्डर किया था वो टेबल पे रखा होता है, जिससे जंगो इरिटेट हो जाता है और ते के रूम में उसे देखने जाता है। ते अपने रूम में सो रही होती है। जंगो उसे उठाता है, लेकिन उसकी बॉडी बुखार से पूरी तप रही होती है। ते स्लाइटली आँखें ओपन करती है।
क्या चाहिए तुम्हें अब? मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो मुझे। यू इडियट, तुम्हारी बॉडी आग की तरह जल रही है, इम्यून रिएक्शन की वजह से। मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी, बस मुझे थोड़ी देर और सोने दो। क्या डम्ब लड़की है, कुछ खा लो फिर उसके बाद सो जाना। नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी। अगर तुम अभी नहीं उठी तो मैं कुछ डर्टी डर्टी करूंगा। ये सडनली बैठ जाती है। जाओ जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। बास्टर्ड, तो शावर लेती है जंगो पे के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पे लगा देता है। आओ और खाओ। इसने वो वर्ड सीरियसली ले लिए थे क्या? साइको। उसके बाद दोनों खाना फिनिश करते हैं। अपने रूम में जाओ, जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। जाती हूँ। तो अपने रूम में आ जाती है। वो साइको सोच क्या रहा था? हाँ, मेरा सर क्यों घूम रहा है? तो बेड पे बैठ जाती है। मेरी उसकी वजह से चोट लगी है, बुखार भी मुझे उसकी वजह से है, और अब ऑर्डर भी वो मुझ पे ही चला रहा है। I hate his character. किसका कैरेक्टर? और शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। किसी का भी नहीं, मैं बस खुद से बात कर रही थी। डोंट माइंड, ओके? ओके, ये रही तुम्हारी दवा। ओके। ये इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक के दोनों हाथों को बैग से पिन कर देता है। जंगकुक को जाने नहीं देने वाला था। एक मिनट बाद जंगकुक को सांस लेने देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ते जंगकुक को पुश करके जाने वाली होती है, बट जंगकुक उसकी तरफ लीन होके उसकी नेक पे किस करता है। तुम इतनी खूबसूरत क्यों होते? आई जस्ट वांट टू फक यू राइट नाउ। ते तुम मुझसे छुप नहीं सकते। नाउ इट्स माय टर्न। हुआ जो दर्द ओके, रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। अभी उसने क्या किया? उसने मुझे सच में फिर से किस किया? डिस्गस्टिंग, मैं उसे मार दूंगी। अभी नहीं तो बाद में। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को एंजॉय कर लो जंगकुक। उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। आई वांट टू टेस्ट हर नाउ। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। ते वेट एंड वॉच। ओके आर्मी, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तो आप खुश होना कि आपको लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस मिल रही हैं देखने को। ओके, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना है इसलिए। ओके एंड लाइक, सब्सक्राइब तो जरूर करना यार। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।